नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आपको याद होगा, पिछले दिनों चुनाव के मैदान में नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी और लालू यादव पर एक टिप्पणी की थी, बच्चों को लेकर टिप्पणी की थी, तो खासा बवाल मचा था। अब ऐसी ही एक टिप्पणी और सामने आई है जिस पर गजेंद्र सिंह फंस गए हैं। जी हाँ, गजेंद्र सिंह को आप जानते होंगे, महाभारत के युधिष्ठिर। समझ गए होंगे आप कौन, किनकी बात कर रहे हैं। महाभारत में जो युधिष्ठिर का रोल निभाया था, जिन्होंने काफी चर्चित रहे थे, बाद में पुणे स्थित जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट यानी FTII के चेयरमैन भी बनाए गए थे और विवादों में भी घिरे थे, तो यही गजेंद्र सिंह ने एक ट्वीट किया है जो इन दिनों विवाद खड़ा कर रहा है। ट्वीट किया है, हम आपको दिखाएंगे बताएंगे। तो ट्वीट पहले आप देखिए, गजेंद्र सिंह ने जो ट्वीट किया है, गजेंद्र सिंह ने लिखा है, सोचते ही रूह कांप जाती है, क्या होता अगर राबड़ी देवी की तरह इटली की देवी के भी 9 बच्चे होते। तो एक बार 9 बच्चों की चर्चा की और उन्होंने राबड़ी देवी का नाम लिया अपने ट्वीट में, तो विवाद होना तय था, क्योंकि राबड़ी देवी की चर्चा करके वो इटली की देवी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 9 बच्चे होते तो क्या होता। यानी एक बार 9 बच्चों पर फिर तंज कसा है उन्होंने लालू राबड़ी के 9 बच्चों पर। बता दें आपको, लालू राबड़ी के 9 बच्चों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो बिहार के भी प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो भी शामिल हैं, तेज प्रताप यादव हैं, और जो उनके 9 बच्चे हैं उसमें मीसा भारती जो है अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। तो इन बच्चों पर तंज कसा, यानी लालू परिवार के बच्चों पर तंज कसा, तो मुश्किलें तो बढ़नी तय थी। तो RJD ने घेर लिया है ऐसे अब जो गजेंद्र सिंह को इस टिप्पणी पर, और जो शक्ति सिंह यादव हैं, शक्ति सिंह यादव प्रवक्ता हैं RJD के, उन्होंने इस ट्वीट की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए क्या कुछ लिखा है, हम आपको बता रहे हैं। शक्ति सिंह यादव ने लिखा है, ऐसे नंगे आदमियों की बेशर्मी मापने का पैमाना होता है तो वह भी टूट जाता। 2 कौड़ी के सड़क छाप लोगों को कैसे कैसे पदों पर बैठा दिया जाता है। ऐसे लोग जमीन, शरीर और पता नहीं क्या क्या बेचकर क्या क्या प्राप्त कर लेते हैं। कड़े शब्दों में जो है इस ट्वीट की भर्त्सना की गई है RJD की तरफ से शक्ति सिंह यादव के द्वारा, जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो हमने आपको पढ़कर सुनाया। गजेंद्र सिंह के बारे में उन्होंने ये जो कुछ लिखा हमने आपको बताया, और साथ ही साथ जो ट्वीट में बताया गया है एक तुलना की गई है जिसमें यह भी बताया जा रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो तस्वीर, जिसमें लिखा हुआ है, गजेंद्र का जन्म दिल्ली के छोटे से इलाके खास खामपुर में हुआ था। खामपुर दिल्ली के बेस्ट पटेल नगर के पास है। उन्होंने आनंद पर्वत के रामदास स्कूल से पढ़ाई की थी। खैर, ये तो शिक्षा दीक्षा की चर्चा, और आगे जो लाइन लिखा हुआ है आप उसको पढ़िए तो पता चल जाएगा गजेंद्र सिंह जो राबड़ी देवी पर टिप्पणी कर रहे हैं उनकी क्या रियलिटी है। गजेंद्र के 4 भाई और 4 बहनें, यानी 4 दुनिया 8, 8 भाई बहन हैं गजेंद्र सिंह, और वे अपने घर के सबसे छोटे और सबसे लाडले थे। सबसे छोटे बेटे हैं घर के, तो 4 दुनिया 8 भाई बहन हैं ये भी, पर टिप्पणी कर रहे हैं तो राबड़ी देवी का उदाहरण दे रहे हैं। जब खुद के घर शीशे के हों तो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारते, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। जब गजेंद्र सिंह खुद 8 भाई बहन हैं और राबड़ी देवी का उदाहरण देखकर इस तरह की ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये तो लाजमी है कि RJD वाले तो घेरेंगे। RJD ने भी कड़ी टिप्पणी की है गजेंद्र सिंह के ऊपर, जो महाभारत के युधिष्ठिर के तौर पर काफी चर्चित रहे हैं। और युधिष्ठिर, आपको बता दें कि युधिष्ठिर की जो भूमिका है, युधिष्ठिर धर्मराज को बोलते हैं, धर्मराज यानी धर्म के राजा, और वो धर्म की बात करते थे। जिस तरह से 5ों भाइयों में सबसे शांत प्रवृत्ति और धर्मराज और सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, और वो तमाम जो उनके जो 4 छोटे भाई थे, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन, तो उन तमाम भाइयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। धर्मराज की भूमिका की थी, युधिष्ठिर की भूमिका की थी इन्होंने, गजेंद्र चौहान ने, लेकिन इस तरह की ओछी टिप्पणी करके कहीं ना कहीं पद की गरिमा को उन्होंने गिराया है। हालांकि अभी वो FTII के चेयरमैन नहीं है, पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं, विवादों में भी घिर चुके हैं, तो एक बार अपनी इस टिप्पणी को लेकर एक बार फिर से वो विवादों में घिर गए हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो ये इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।